हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म एक और सुपर हिट फिल्म को लेकर हाजिर हुए हैं, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों विश्वासम। जी हां दोस्तों, यह फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। फिल्म सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार की मच आउटेड मूवी विश्वासम मूवी से जुड़े दोस्तों आज कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बतलाएंगे जो दोस्तों शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि दोस्तों, फिल्म का स्टार कास्ट और फिल्म में सुपरस्टार, फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म का प्रोड्यूसर और यह फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आप फिल्म विश्वासम मूवी को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतलाएं। और दोस्तों, वीडियो को लेकर चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म विश्वासम, जो कि दोस्तों यह फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था, जो कि भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का एक्शन ड्रामा फिल्म है और यह फिल्म जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्र है, जबकि दोस्तों सत्या, ज्योतिका और फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 से शुरू हुआ था। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएँ मिली और डी ईमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो फिल्म का डायरेक्टर शिव ने किया था। यह फिल्म में फिल्म के उत्पादक यानी दोस्तों उत्पादित टीजी त्याग्या राजन और फिल्म का अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार, अभिनेत्री नयनतारा, जगपति बाबू जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म का रिलीज 10 जनवरी 2019 को भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म का रन टाइम यानी 156 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और यह फिल्म को तमिल भाषा के साथ इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोस्तों चलो बात करते हैं फिल्म विश्वासम मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो यह फिल्म को बनाने में बजट मात्र 100 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है, जो दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस में दूसरे की जबरदस्त कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई करने के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और यह फिल्म इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब दोस्तों यह फिल्म बवाल मचा दी थी। फिल्म विश्वासम में अभिनेता अजीत कुमार थुक्कू दुरई के रूप में दिखाई दिए हैं और अभिनेत्री नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी और श्वेता थुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्र और अभिनेता जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रति हिंदी का रोल निभाए हैं। वही दोस्तों केशव के रूप में विवेक है और थम्बी रमैया जो कि रोशमानी के रूप में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों और बड़े एक से बढ़कर एक स्टार भी एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने की अटकलों के बाद त्याग्या सत्या, ज्योतिका फिल्म से निर्देशित शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग किया था। सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 के अंत में की गई थी और स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और नियंत्रक को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो दोस्तों अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था।
बतौर अभिनेता योगी बाबू की सभी फिल्म होगी और मुख्य फिल्म फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंत 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ था। फिल्म 2019 के लिए जारी किया गया था। फिल्म में संगीत साउंडट्रैक एल्बम डी ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशक मिलाप मिलन जेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विश्वासम दोस्तों, यह फिल्म तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और सैटेलाइट राइटर्स सन नेटवर्क को बेचे गए थे। फिल्म की बॉक्स ऑफिस फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ और यानी दोस्तों US$2.34 मिलियन और केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और भारत में कई जगह पर 1 से बढ़कर 1 कमाई किया था। यह फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू की एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक फिल्म के सरकारों और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली है। लेकिन दोस्तों निर्देशक पाठक कथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म अपने वर्णन में नियमित और टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है और लेकिन दोस्तों अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखे लायक मनोरंजक फिल्म बनती है। बिहाइंड बोर्ड्स और बुड्डर्स ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थला प्रशंसकों और संतुष्ट करने के लिए एक व्यावसायिक तत्व के साथ तय किया था। फिल्म कंपेनियन ने 3/5 पर रेटिंग देते हुए कहा था कि मुख्यधारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है और विश्वासम के साथ शिव और अधिकार करते हैं। यह अपने स्टार के विश्वास और उसके ऐसा दृष्ट को सही ठहराते हैं और पहला पार्ट 3/5 रेटिंग दी और जिसमें कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल दी गई थी, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल लाई और मजबूत वापसी की थी। फिल्म जिसे आपने मुद्दे है और लेकिन दोस्तों फिर से भी यह देखने में काफी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिटिस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म विश्वासम शिव है और अजित कांबो की पारिवारिक के लिए भावनात्मक पौर्णंग उपहार है। सीपी ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि अजित आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि अभिनेता थुक्कु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जाओं और दिखते हैं। विश्वासम इस पोलंग पोगंग
त्योहारों के लिए एक पक्का और पारिवारिक मनोरंजक है। जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले और इंडिया टुडे की 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया था कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक थुरुथाई शिवा और विश्वासम के साथ एक ग्रामीण वर्ग में वापस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म उम्मीदों के साथ अन्याय नहीं करती है और वह केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है कि द न्यूज मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि वेगन में मूवी द हिंदू ने कहा कि वेगम में मूवी यूरोप के दौरान करने के बाद शिव अजीत की तमिलनाडु वापस चले आते हैं और यह एक वृद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू को कहा कि फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत कुमार के लिए बहुत कम पैसा करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 रेटिंग देते हुए कहा गया कि हालांकि विचार दर्शकों की मधुर जीत के छल का एहसास करना होता है, लेकिन एक इसका मतलब उन लोगों के लिए टैलेंट के बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। और डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है और शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक बड़े स्टार थरा है। अजीत के बारे में सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है और इसे अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्यजनक मूल्य पर काम करती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। अभिनेता अजीत कुमार की उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अपने अभिनय कैरियर के अलावा अजीत ने एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी हैं और उन्होंने MRF रेसिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया और भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों पर शॉटिंग में प्रतिस्पर्धी और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फॉर्मूला का चैंपियनशिप दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1990 में तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म विद्दु एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को कदल कोटाई 1996 और अलव वरुला 1998 और कदल मन्ना 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों फिल्म अमर कलाम, जो कि 1999 से शुरू हुई और शुरू करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया था। ऐसे जे सूर्य की दौली वैली 1999 में अजीत कुमार के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण किया, जहां दोस्तों जो एक बारह मूल है और अजीत कुमार के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने विजिलेट फिल्म और सिटीजन 2001 में
आपने दोहरी भूमिका के लिए आलोचना प्रशंसा की है और अजीत कुमार की 2006 की उन्होंने वरन लारू में अभिनय किया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 अलग अलग भूमिका निभाई और वह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए एक और फिल्मी फेयर पुरस्कार मिला और अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक और किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया था। दोनों ने उन्होंने आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की थी और मन्ना कथा 2001 में एक खतरनाक नायक की भूमिका निभाई है। और दोस्तों यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक के रूप में बनी और उन्होंने अगली रिलीज बिल्ला शो की 2012 में तमिल सिनेमा की पहली प्राची प्रविलक थी। और बात की जाए दोस्तों और अभिनेता अजीत कुमार जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौरे के लिए विशेष भी किए हैं। इनकी अभिनय कैरियर की शुरुआत अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत कई शुरुआत एन बिंदु एन कनावर 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में दृश्य में एक एसपी बाल सुब्रमण्यम के जिनके बेटे अजीत के सहायक से की और सिफारिश के माध्यम से वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेम पुस्तकम 1993 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी, जो आज तक की उनकी एकमात्र तेलुगु फिल्म है। और हालांकि दोस्तों फिल्म के निर्देशक गुल्ला पुटी श्रीनिवास की मृत्यु के बाद उपत्यादन शुरू होने के तुरंत बाद फिर फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। परिमांशक रूप उसकी पहली प्रमुख नाटकीय रिलीज तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरवती 1993 थी, जिसे अजीत ने बालासुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित सेलवा को सुनिश्चित करने के बाद साइन किया गया था। इन्होंने दोस्तों इसके कुछ भाग देखे गए थे और इसे विमल विलंब से पूर्व और प्रेम पुस्तकम जैसे ही फिल्म पोस्टर और प्रोडक्शन में की गई थी। अजीत कुमार की एक और शौकीय मोटर रेस और प्रशिक्षण के दौर रेस चोट के कारण बिस्तर पर पड़े थे। मुख्य अभिनेता के रूप में अजीत कुमार की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म रोमांटिक थ्रिलर असई जो कि 1995 थी और वसंत द्वारा निर्देशित और मणि रतन द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुलभ लक्ष्मी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों बहनों ही उन पर मोहित है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अजीत कुमार को तमिल फिल्म उद्योग में एक उभरते अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिल्म असई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। बाद में दोस्तों उन्होंने प्रशांत और पूजा भट्ट के साथ कल्लूरी और कौशल में मुख्य भूमिका निभाई। अजीत कुमार की सफल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कद्दल कोटाई के रूप में आई, जिसने दोस्तों अजीत कुमार की पिछले प्रोजेक्ट और बालमथी की निर्देशक और आगाथियन के साथ फिर से जुड़े थे। फिर दोस्तों फिल्म कद्दल कोटाई में उनकी जोड़ी देवयानी के साथ, जिसमें हीरो राजगोपाल ने सहायक भूमिका निभाई है। 1997 में दोस्तों अभिनेता अजीत कुमार के 5 फिल्मों में नजर आए और जिसमें से किसी भी फिल्म ने सहायक और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी अवधि के दौरान हीरो फिल्म वितरण और व्यवसाय में प्रवेश किया था। परिमांशक रूप उन्होंने नुकसान का सामना करना पड़ा था।
उसी अवधि के पुर और समय बताते हुए अजीत को लगातार पीठ की चोट लग रही और उनकी कई अन्य फिल्म प्रतिबिंबताओं में देरी हुई थी। 5 फिल्मों में से एक उल्लेखनीय और परियोजना अमिताभ बच्चन की तमिल प्रोडक्शन उल्लासम 1997 थी, जिसमें उन्होंने पहली बार 2 मिलियन यानी 2023 में 11 मिलियन यानी US 140,000 के बराबर के एक उच्च वेतन का दिया था। अभिनेता अजीत कुमार ने 1998 में साजन की कथल मन्ना से एक और बड़ी फिल्म परियोजना के साथ लौट आई और जो एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी जिसने दोस्तों एक विस्तारित और प्रशंसक आधार की नींव रखी और उन्होंने बसंत और नेरकु नेर में भी अभिनय करना शुरू किया था। बाद में दोस्तों सूर्या ने उस जगह ले ली थी और निम्नलिखित फिल्म और अवल वरुला में उनकी दाखिला एनआई और कोडुथेन में सफल रही थी, जिसमें दोस्तों कार्तिक के साथ अजीत की अतिथि भूमिका थे। और बात की जाए फिल्म की उरिया को छोड़कर जिसने खराब प्रदर्शन किया और 1998 में रिलीज हुई उनकी अन्य 3 फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रमेश खन्ना और थोड़ा रंग की मालिका के साथ सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा उन्हें थेड़ी ने बड़ी सफलता की श्रृंखला तैयार किया था और ऐसे जे सूर्या की थ्रिलर चैली और जिसमें अजीत की पहली बार सिमरन के साथ दोहरी भूमिकाओं में दिखाया गया था। उस समय दोस्तों उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें जिस फिल्म में एक मुख्य और बधिर भाई की अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजर गड़ाने की कहानी बताई गई है। वही दोस्तों दोनों भाइयों के किरदार अजीत ने उसके तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था और इसके अलावा अजीत कुमार के भाइयों को चित्रण भी किया था। प्रशंसा किया गया और आलोचकों ने दावा किया था कि फिल्म तत्काल क्लासिक थी और ड्रामा फिल्म में निम्नलिखित दो भूमिकाएं आनंद पुगत्रे और श्री वारुवाई एन्ना थे भी अजीत की। अजीत को उनके चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई है। नए सहवादी से पहले उन्होंने अंतिम फिल्म और अमर कलाम श्री जिसका निर्देशक समर ने किया था, इसमें दोस्तों शालिनी थे और जिनसे उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद शादी कर ली और अमर कलाम ने एक अपेक्षित बच्चे की कहानी बताई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेह की भावनाओं को दिखाने के लिए असफल रहा था। इस प्रतिक्रिया में एक गैंगस्टर बन गया और अजीत कुमार के दृष्ट चरित्र के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। उनकी अगली फिल्म मुगावरी ने उनकी व्यवसायिक को आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई थी। यह फिल्म एक संघर्षक संगीतकार के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोस्तों उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए बलिदान का सामना करना पड़ा था। फिल्म को दोहरे अंत दिखाए गए और एक में से अजीत कुमार को अपने करियर के सफलता मिली और दूसरे में अजीत कुमार को निराश हुए था। अजीत कुमार के अभिनय की एक बार फिर रेडिफ ने आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और उन्होंने दावा किया था कि अजीत कुमार की असली विजेता फिल्म की पाठकता
संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अजीत कुमार एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। वह शानदार ढंग से अभिनय करते हैं और कमजोर और दुखी श्रीधर दुखी श्रीघर और वह अजीत कुमार के साथ प्रमुख अभिनेता की मम्मूटी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, तब्बू और श्रीनिवास शामिल है। अपनी पिछली फिल्म की तरह की भूमिका में अजीत कुमार ने एक संघर्षत फिल्म निर्देशक की शुरुआत की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों 1999 में लगातार 6 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म ने दोनों और 2000 की मुग्गा वरी और कद्दू कोडैन को सफल बनाने के बाद अजीत कुमार की एक सफल फिल्म आई अन्य कोडू एनआई और थुरुवेल जिसमें सह अभिनेत्री सिमरन किया था। बात किया जाए दोस्तों 2006 के दौरान अजीत कुमार की वासुकी परम शिवम अभिनय करके अपने अंतराल से लौटे जिसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 20 किलोग्राम पाउंड कम किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर विजय की आधी से अधिक सफलता मिली थी और जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। द हिंदू के लिए आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटे और तन्ना हुआ दिख रहा है जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी और द हिंदू के आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटा और तन्ना हुआ दिख रहा है केवल उसकी आँखों की चमक कुछ हद तक कम की गई है और भारी वजन घटाने वाले इसके अलावा 2006 में परमा सेवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अजीत ने लंबे बाल रखे थे और जो बाल के प्रोजेक्टर गान और कदबुल के लिए उगाए जा रहे थे जिसमें दोस्तों अंत अजीत कुमार ने छोड़ दिया था और हंसी की तरह पेरा रसु द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म PBM प्री प्रोडक्शन और थिरुपति ने खराब समीक्षा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औसत और व्यवसाय के रूप में ऊपर प्रदर्शन किया था। रेडिप आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है लेकिन अजीत उत्साही प्रदर्शन किया था। रेडिप के आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है लेकिन अजीत कुमार उत्साही प्रदर्शन किया और स्थिति को बचाया। अजीत ने अपने लंबे समय से विलंबित एक्शन ड्रामा फिल्म वरुला की रिलीज के साथ एक सफल वापसी किया था जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता फिल्म बन गई और KS रवि कुमार की फिल्म में असीन सह कलाकार है और अजीत को 3 भूमिका में चित्रण किया था जिसमें दोस्तों एक शास्त्रीय नाटक की भूमिका में भी शामिल की गई थी। उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और इसके अलावा वह इस फिल्म ने अजीत कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। 2007 में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अभिनेता शंकर के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। 2007 में अजीत कुमार की पहली रिलीज अल्लावार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। उनकी पिछली फिल्म अल्लावार के थोड़े समय के लिए बंद होने के बाद भी सिनेमाघरों में चल रही थी।
खरीदम जो कि 1989 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म का रीमेक और हेडसी नाम से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई और साथ ही दोस्तों फिल्म को मध्यम सफलता मिली थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीत को रीढ़ की हड्डी में एक चोट लग गई थी जिसमें उनके कैरियर के पहले की समस्या और पुनरागी बन गए थे। वही दोस्तों इसके बाद अजीत कुमार ने फिल्म बिल्ला में अभिनय किया था जो दोस्तों 1980 में आई और रजनीकांत की अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। विष्णु वर्धन के निर्देशक ने अजीत कुमार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है और जो भारत में स्टाइलिश कला निर्देशक और सिनेमेटोग्राफी के लिए एक ट्रेंड सेटर बन गई है। बिल्ला फिल्म में एक बार फिर अजीत कुमार को दोहरी भूमिका में दिखाया गया था और एक मुख्यतः डॉन की जबकि दूसरी भूमिका में एक निर्देशक व्यक्ति की थी और जिसे बिल्ला की मृत्यु के बाद डॉन के लिए भी पुरस्कार दिलाया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार जो कि 2022 में अजीत कुमार ने वाली माई के लिए फिर से विनोद के साथ सहयोग किया था और इसे विनोद खन्ना ने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें दोस्तों 24 फरवरी को रिलीज हुई थी और जिसे समीक्षकों और दर्शकों से दोनों सकारात्मक समीक्षा मिली थी, लेकिन अगले वर्ष 2023 में उन्होंने बैंक डकैती थ्रिलर थुनिपु के लिए फिर से सहयोग किया है। इसका निर्माण बोनी कपूर ने किया है और अजीत कुमार, बोनी कपूर, एचा विनोद और नीरव शाह की टीम तीसरा सहयोग किया है। वही दोस्तों घेब्रान ने फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर किया है। बात की जाए दोस्तों अजीत कुमार की आने वाली 2023 में एक से बढ़कर एक फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका के साथ आ रही है जो दोस्तों आप देखना नहीं भूलिएगा। अजीत कुमार की सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार की आई फिल्म विश्वासन जो कि दोस्तों यह फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त चली थी और यह फिल्म को फैंस देखने के लिए आजकल भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं फिल्म है जो दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस में दूसरे की ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई करने के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और यह फिल्म इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तब दोस्तों यह फिल्म बवाल मचा दी थी। फिल्म विश्वासम में अभिनेता अजीत कुमार थुक्कू दुरई के रूप में दिखाई दिए हैं और अभिनेत्री नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी और श्वेता थुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्र और अभिनेता जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रति हिंदी का रोल निभाए हैं। वही दोस्तों केशव के रूप में विवेक है और थम्बी रमैया जो कि रोशमानी के रूप में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों और बड़े एक से बढ़कर एक स्टार भी एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने की अटकलों के बाद त्याग्या सत्या ज्योतिका फिल्म से निर्देशित शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग किया था। सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 के अंत में की गई थी और स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था जो दोस्तों अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता योगी बाबू की सभी फिल्म होगी और मुख्य फिल्म फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और
काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंत 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ था। फिल्म 2019 के लिए जारी किया गया था। फिल्म में संगीत साउंडट्रैक एल्बम डी ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बॉलीवुड फिल्म मरजाबा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशक मिलाप मिलन ज्वेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विश्वासम दोस्तों, यह फिल्म तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और सैटेलाइट राइटर्स सन नेटवर्क को बेचे गए थे। फिल्म की बॉक्स ऑफिस फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ और यानी दोस्तों US 2.34 मिलियन और केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और भारत में कई जगह पर एक से बढ़कर एक कमाई किया था। यह फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू की एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक फिल्म के सरकारों और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली है। लेकिन दोस्तों निर्देशक पाठक कथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म अपने वर्णन में नियमित और टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है और लेकिन दोस्तों अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखे लायक मनोरंजक फिल्म बनती है। बिहाइंड बोर्ड्स और बुड्डस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थला प्रशंसकों और संतुष्ट करने के लिए एक व्यावसायिक तत्वों के साथ तय किया था। फिल्म कंपेनियन ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा था कि मुख्यधारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है और विश्वासम के साथ शिव और अधिकार करते हैं। यह अपने स्टार के विश्वास और उसके ऐसा दृष्ट को सही ठहराते हैं और पहला पार्ट 3/5 रेटिंग दी और जिसमें कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल दी गई थी, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल लाई और मजबूत वापसी की थी। फिल्म जिसे आपने मुद्दे है और लेकिन दोस्तों फिर से भी यह देखने में काफी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिटिस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म विश्वासम शिव है और अजित कांबो की पारिवारिक के लिए भावनात्मक पौलंग उपहार है। सीपी ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि अजित आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि अभिनेता थुक्कु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जाओं और दिखते हैं। विश्वासम इस पोलंग त्योहारों के लिए एक पक्का और पारिवारिक मनोरंजक है। जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले और इंडिया टुडे की 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया था कि
एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक थुरुथाई शिवा और विश्वासम के साथ एक ग्रामीण वर्ग में वापस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म उम्मीदों के साथ अन्याय नहीं करती है और वह केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है कि द न्यूज मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि वेगन में मूवी द हिंदू ने कहा कि वेगन में मूवी यूरोप के दौरान करने के बाद शिव अजीत की तमिलनाडु वापस चले आते और यह एक वृद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू को कहा कि फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत कुमार के लिए बहुत कम पोशाक करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 रेटिंग देते हुए कहा गया कि हालांकि विचार दर्शकों की मधुर जीत के छल का एहसास करना होता है, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए टैलेंट के बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। और डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है और शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक बड़े स्टार ठहरा है। अजीत के बारे में सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है और इसे अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्यजनक मूल्य पर काम करती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। अभिनेता अजीत कुमार की उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत ने एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी हैं और उन्होंने एमआरएफ रेसिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया और भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों पर स्टार्टिंग में प्रतिस्पर्धी और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फॉर्मूला का चैंपियनशिप दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 में तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म विद्दु एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को कदल कोटाई 1996 और अलव वरुला 1998 और कदल मन्ना 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों फिल्म अमर कलाम जो कि 1999 से शुरू हुई और शुरू करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया था। ऐसे जे सूर्य की दौली वैली 1999 में अजीत कुमार के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण किया, जहां दोस्तों जो एक बारह मूल है और अजीत कुमार के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने विजिलेट फिल्म और सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिका के लिए आलोचना प्रशंसा की है और अजीत कुमार की 2006 की उन्होंने वरलारू में अभिनय किया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 अलग अलग भूमिका निभाई और वह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली
तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए एक और फिल्मी फेयर पुरस्कार मिला। और अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक और किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया था। दोनों ने उन्होंने अनुष्को से प्रशंसा अर्जित की थी और मन्ना कथा 2001 में एक खतरनाक नायक की भूमिका निभाई है। और दोस्तों यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक के रूप में बनी। और उन्होंने अगली रिलीज बिल्ला जो कि 2012 में तमिल सिनेमा की पहली प्रविलक थी। और बात की जाए दोस्तों और अभिनेता अजीत कुमार जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़े के लिए विशेष भी किए हैं। इनकी अभिनय कैरियर की शुरुआत अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत कई शुरुआत एन बिंदु एन कनावर 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में दृश्य में एक एसपी बाल सुब्रमण्यम के जिनके बेटे अजीत के सहायक से की और सिफारिश के माध्यम से वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेम पुस्तकम 1993 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी जो आज तक की उनकी एकमात्र तेलुगु फिल्म है। और हालांकि दोस्तों फिल्म के निर्देशक बुल्ला पुटी श्रीनिवास की मृत्यु के बाद उपत्यादन शुरू होने के तुरंत बाद फिर फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। परिमांशक रूप उसकी पहली प्रमुख नाटकीय रिलीज तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरवती 1993 थी जिसे अजीत ने बालासुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित सिलवाक को सुनिश्चित करने के बाद साइन किया गया था। इन्होंने दोस्तों इसके कुछ भाग देखे गए थे और इसे विमल विलंब से पूर्व और प्रेम पुस्तकम जैसे ही फिल्म पोस्टर और प्रोडक्शन में की गई थी। अजीत कुमार की एक और शौकीय मोटर रेस और प्रशिक्षण के दौर रेस चोट के कारण बिस्तर पर पड़े थे। मुख्य अभिनेता के रूप में अजीत कुमार की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म रोमांटिक थ्रिलर असई जो कि 1995 थी और वसंत द्वारा निर्देशित और मणि रतन द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुलभ लक्ष्मी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे जिसमें दोस्तों बहनों ही उन पर मोहित है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अजीत कुमार को तमिल फिल्म उद्योग में एक उभरते अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिल्म असई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। बाद में दोस्तों उन्होंने प्रशांत और पूजा भट्ट के साथ कल्लूरी और कौशल में मुख्य भूमिका निभाई। अजीत कुमार की सफल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कद्दल कोटाई के रूप में आई जिसने दोस्तों अजीत कुमार के पिछले प्रोजेक्ट और बालमथी की निर्देशक और गाथियन के साथ फिर से जुड़े थे। फिर दोस्तों फिल्म कद्दल कोटाई में उनकी जोड़ी देवयानी के साथ जिसमें हीरो राजगोपाल ने सहायक भूमिका निभाई है। 1997 में दोस्तों अभिनेता अजीत कुमार के 5 फिल्मों में नजर आए और जिसमें से किसी भी फिल्म ने सहायक और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी अवधि के दौरान हीरो फिल्म वितरण और व्यवसाय में प्रवेश किया था। परिमांशक रूप उन्होंने नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसी अवधि के कुर और समय बताते हुए अजीत को लगातार पीठ की चोट लग रही और उनकी कई अन्य फिल्म प्रतिबिंबताओं में देरी हुई थी। 5 फिल्मों में से एक उल्लेखनीय और परियोजना अमिताभ बच्चन की तमिल प्रोडक्शन उल्लासम
उल्लासम 1997 थी, जिसमें उन्होंने पहली बार 2 मिलियन यानी 2023 में 11 मिलियन यानी US 140,000 के बराबर के एक उच्च वेतन का दिया था। अभिनेता अजित कुमार ने 1998 में साजन की कथल मन्ना से एक और बड़ी फिल्म परियोजना के साथ लौट आई, और जो एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी जिसने दोस्तों एक विस्तारित और प्रशंसक आधार की नींव राखी, और उन्होंने बसंत और नेरकु नेर में भी अभिनय करना शुरू किया था। बाद में दोस्तों सूर्या ने उस जगह ले ली थी और निम्नलिखित फिल्म और अवल वरुला में उनकी दाखिला एनआई और कोडुथेन में सफल रही थी, जिसमें दोस्तों कार्तिक के साथ अजित की अतिथि भूमिका थे। और बात की जाए फिल्म की उरिया को छोड़कर जिसने खराब प्रदर्शन किया, और 1998 में रिलीज हुई उनकी अन्य तीन फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रमेश खन्ना और थोड़ा रंग की मालिका के साथ सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा उन्हें थेडी ने बड़ी सफलता की श्रृंखला तैयार किया था, और ऐसे जय सूर्या की थ्रिलर चैली और जिसमें अजीत की पहली बार सिमरन के साथ दोहरी भूमिकाओं में दिखाया गया था। उस समय दोस्तों उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिस फिल्म में एक मुख्य और बधिर भाई की अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजर गड़ाने की कहानी बताई गई है। वही दोस्तों दोनों भाइयों के किरदार अजीत ने उसके तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था, और इसके अलावा अजित कुमार के भाइयों को चित्रण भी किया था, प्रशंसा किया गया, और आलोचकों ने दावा किया था कि फिल्म तत्काल क्लासिक थी। और ड्रामा फिल्म में निम्नलिखित दो भूमिकाएं आनंद पुगत्रे और श्री वारुवाई एन्ना थे भी अजित की। अजित को उनके चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई है। नए सहवादी से पहले उन्होंने अंतिम फिल्म और अमर कलाम श्री जिसका निर्देशक समर ने किया था, इसमें दोस्तों शालिनी थे और जिनसे उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद शादी कर ली, और अमर कलाम ने एक अपेक्षित बच्चे की कहानी बताई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेह की भावनाओं को दिखाने के लिए असफल रहा था। इस प्रतिक्रिया में एक गैंगस्टर बन गया और अजित कुमार के दृष्ट चरित्र के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। उनकी अगली फिल्म मुगावरी ने उनकी व्यवसायिक को आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई थी। यह फिल्म एक संघर्षक संगीतकार के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोस्तों उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए बलिदान का सामना करना पड़ा था। फिल्म को दोहरे अंत दिखाए गए, और एक में से अजित कुमार को अपने करियर के सफलता मिली और दूसरे में अजित कुमार को निराश हुए था। अजित कुमार के अभिनय की एक बार फिर रेडिफ ने आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी, और उन्होंने दावा किया था कि अजित कुमार की असली विजेता फिल्म की पाठकता संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अजित कुमार एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। वह शानदार ढंग से अभिनय करते हैं और कमजोर और दुखी श्रीघर और वह अजित कुमार के साथ प्रमुख अभिनेता की
मम्मूटी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, तब्बू और श्रीनिवास शामिल है। अपनी पिछली फिल्म की तरह की भूमिका में अजीत कुमार ने एक संघर्षत फिल्म निर्देशक की शुरुआत की भूमिका निभाई, जो तब्बू के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों 1999 में लगातार 6 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म ने दोनों और 2000 की मुग्गा वरी और कंदुकोडन और कद्दू कोडैन को सफल बनाने के बाद अजीत कुमार की एक सफल फिल्म आई, अन्य कोडू एनआई और थुरुवेल, जिसमें सह अभिनेत्री सिमरन किया था। बात किया जाए दोस्तों 2006 के दौरान अजीत कुमार की वासुकी परम शिवम अभिनय करके अपने अंतराल से लौटे, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 20 किलोग्राम पाउंड कम किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर विजय की आधी से अधिक सफलता मिली थी और जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। द हिंदू के लिए आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटे और तन्ना हुआ दिख रहा है, जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। और द हिंदू के आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटा और तन्ना हुआ दिख रहा है, केवल उसकी आँखों की चमक कुछ हद तक कम की गई है और भारी वजन घटाने वाले इसके अलावा 2006 में परमा सेवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अजीत ने लंबे बाल रखे थे और जो बाल के प्रोजेक्टर गान और कदबुल के लिए उगाए जा रहे थे, जिसमें दोस्तों अंत अजीत कुमार ने छोड़ दिया था और हंसी की तरह पेरा रसु द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म PBM प्री प्रोडक्शन और थिरुपति ने खराब समीक्षा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औसत और व्यवसाय के रूप में ऊपर प्रदर्शन किया था। रेडी आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजीत उत्साही प्रदर्शन किया था। रेडी के आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजीत कुमार उत्साही प्रदर्शन किया और स्थिति को बचाया। अजीत ने अपने लंबे समय से विलंबित एक्शन ड्रामा फिल्म वरुणा की रिलीज के साथ एक सफल वापसी किया था, जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता फिल्म बन गई और KS रवि कुमार की फिल्म में असीन सह कलाकार है और अजीत को 3 भूमिका में चित्रण किया था, जिसमें दोस्तों एक शास्त्रीय नाटक की भूमिका में भी शामिल की गई थी। उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और इसके अलावा वह इस फिल्म ने अजीत कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। 2007 में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अभिनेता शंकर के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। 2007 में अजीत कुमार की पहली रिलीज अल्लावार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। उनकी पिछली फिल्म अल्लावार के थोड़े समय के लिए बंद होने के बाद भी सिनेमाघरों में चल रही थी। करीदन, जो कि 1989 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म का रीमेक और हेडसी नाम से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई और साथ ही दोस्तों फिल्म को मध्यम सफलता मिली थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीत को रीढ़ की हड्डी में एक चोट लग गई थी, जिसमें उनके कैरियर के पहले की समस्या और पुनरागी बन गए थे।
वही दोस्तों, इसके बाद अजीत कुमार ने फिल्म बिल्ला में अभिनय किया था, जो दोस्तों 1980 में आई और रजनीकांत की अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। विष्णु वर्धन के निर्देशक ने अजीत कुमार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है, और जो भारत में स्टाइलिश कला निर्देशक और सिनेमेटोग्राफी के लिए एक ट्रेंड सेटर बन गई है। बिल्ला फिल्म में एक बार फिर अजीत कुमार को दोहरी भूमिका में दिखाया गया था, और एक मुख्यतः डॉन की जॉब की दूसरी भूमिका में एक निर्देशक व्यक्ति की थी, और जिसे बिल्ला की मृत्यु के बाद डॉन के लिए भी पुरस्कार दिलाया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार, जो कि 2022 में अजीत कुमार ने वाली माई के लिए फिर से विनोद के साथ सहयोग किया था, और इसे विनोद खे ने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें दोस्तों 24 फरवरी को रिलीज हुई थी, और जिसे समीक्षकों और दर्शकों से दोनों सकारात्मक समीक्षा मिली थी। लेकिन अगले वर्ष 2023 में उन्होंने बैंक डकैती थ्रिलर थुनिबू के लिए फिर से सहयोग किया है, जिसका निर्माण बोनी कपूर ने किया है, और अजीत कुमार, बोनी कपूर, एचा विनोद और नीरव शाह की टीम तीसरा सहयोग किया है। वही दोस्तों घेब्रान ने फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर किया है। बात की जाए दोस्तों अजीत कुमार की, आने वाली 2023 में एक से बढ़कर एक फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका के साथ आ रही है, जो दोस्तों आप देखना नहीं भूलिएगा। अजीत कुमार की सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार की आई फिल्म विश्वासन, जो कि दोस्तों यह फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त चली थी, और यह फिल्म को फैंस देखने के लिए आजकल भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, भाषा के साथ इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोस्तों चलो बात करते हैं फिल्म विश्वासम मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो यह फिल्म को बनाने में बजट मात्र 100 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है, जो दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस में दूसरे की जबरदस्त कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई करने के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और यह फिल्म इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब दोस्तों यह फिल्म बवाल मचा दी थी। फिल्म विश्वासम में अभिनेता अजीत कुमार थुक्कू दुरई के रूप में दिखाई दिए हैं, और अभिनेत्री नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी, और श्वेता थुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्र, और अभिनेता जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रति हिंदी का रोल निभाए हैं। वही दोस्तों केशव के रूप में विवेक है, और थम्बी रमैया जो कि रोशमानी के रूप में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों और बड़े एक से बढ़कर एक स्टार भी एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने की अटकलों के बाद त्याग्या सत्या ज्योतिका फिल्म से निर्देशित शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग किया था। सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 के अंत में की गई थी, और स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 में शुरू हुआ था, और नियंत्रक को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो दोस्तों अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता योगी बाबू की 6वीं फिल्म होगी, और मुख्य फिल्म फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंत 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ था। पुलंगा 2019 के लिए जारी किया गया था। फिल्म में संगीत
साउंड ट्रैक एल्बम डी ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बॉलीवुड फिल्म मर्जाबा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशक मिलाप मिलन जेरी ने किया था, और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विश्वासम दोस्तों, यह फिल्म तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और सैटेलाइट राइटर्स सन नेटवर्क को बेचे गए थे। फिल्म की बॉक्स ऑफिस फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ और यानी दोस्तों US 2.34 मिलियन और केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और भारत में कई जगह पर एक से बढ़कर एक कमाई किया था। यह फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू की एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक फिल्म के सरकारों और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली है। लेकिन दोस्तों निर्देशक पाठक कथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म अपने वर्णन में नियमित और टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है और लेकिन दोस्तों अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखे लायक मनोरंजक फिल्म बनती है। बिहाइंड बोर्ड्स और बुड्डोस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थला प्रशंसकों और संतुष्ट करने के लिए एक व्यवसायिक तत्वों के साथ तय किया था। फिल्म कंपेनियन ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा था कि मुख्यधारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है और विश्वासम के साथ शिव और अधिकर करते हैं। यह अपने स्टार के विश्वास और उसके ऐसा दृष्ट को सही ठहराते हैं और पहला पार्ट 3/5 रेटिंग दी और जिसमें कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल दी गई थी, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल लाई और मजबूत वापसी की थी। फिल्म जिसे आपने मुद्दे है और लेकिन दोस्तों फिर से भी यह देखने में काफी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिटिस ने 3/5 रेटिंग दी देते हुए कहा कि फिल्म विश्वासम शिव है और अजित कांबो की पारिवारिक के लिए भावनात्मक पौर्णांग उपहार है। सीपी ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि अजित आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि अभिनेता थुक्कु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जाओं और दिखते हैं। विश्वासम इस पोलंग त्योहारों के लिए एक पक्का और पारिवारिक मनोरंजक है। जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले और इंडिया टुडे की 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया था कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विगम का मथन करने के बाद अजीत और निर्देशक थुरुथाई शिवा और विश्वासम के साथ
एक ग्रामीण वर्ग में वापस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म उम्मीदों के साथ अन्याय नहीं करती है और वह केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है कि द न्यूज मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि वेगन में मूवी द हिंदू ने कहा कि वेगन में मूवी यूरोप के दौरान करने के बाद शिव अर्जित की तमिलनाडु वापस चले आते हैं और यह एक वृद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू को कहा कि फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजित कुमार के लिए बहुत कम पोशाक करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 रेटिंग देते हुए कहा गया कि हालांकि विचार प्रदर्शकों की मधुर जीत के क्षण का एहसास करना होता है, लेकिन एक इसका मतलब उन लोगों के लिए टैलेंट के बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। और डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है और शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक बड़े स्टार ठहरा है। अजीत के बारे में सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है और इसे अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्यजनक मूल्य पर काम करती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजित कुमार, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। अभिनेता अजित कुमार की उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अपने अभिनय करियर के अलावा अजित ने एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी हैं और उन्होंने MRF रेसिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया और भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों पर स्टार्टिंग में प्रतिस्पर्धी और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फॉर्मूला का चैंपियनशिप दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 में तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म विदु एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को कदल कोटाई 1996 और अलव वरुला 1998 और कदल मन्ना 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों फिल्म अमर कलाम, जो कि 1999 से शुरू हुई और शुरू करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया था। ऐसे जे सूर्य की दौली वैली 1999 में अजित कुमार के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण किया, जहां दोस्तों जो एक बारह मूल है और अजित कुमार के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने विजिलेट फिल्म और सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिका के लिए आलोचना प्रशंसा की है और अजित कुमार की 2006 की उन्होंने वरल लारू में अभिनय किया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 अलग अलग भूमिका निभाई और वह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और अगले वर्ष उन्होंने दो रिमेक और किरीडम 2007 और
बिल्ला 2007 में अभिनय किया था। दोनों ने उन्होंने आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की थी और मन्ना कथा 2001 में एक खतरनाक नायक की भूमिका निभाई है। और दोस्तों, यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक के रूप में बनी और उन्होंने अगली रिलीज बिल्ला जो कि 2012 में तमिल सिनेमा की पहली प्राची प्रविलक थी। और बात की जाए दोस्तों, और अभिनेता अजीत कुमार जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़े के लिए विशेष भी किए हैं। इनके अभिनय कैरियर की शुरुआत अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत कई शुरुआत एन बिंदु एन कनावल 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में दृश्य में एक एसपी बाल सुब्रमण्यम के जिनके बेटे अजीत के सहायक से की और सिफारिश के माध्यम से वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेम पुस्तकम 1993 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी जो आज तक की उनकी एकमात्र तेलुगु फिल्म है। और हालांकि दोस्तों, फिल्म के निर्देशक गोल्ला पुटी श्रीनिवास की मृत्यु के बाद उपत्यादन शुरू होने के तुरंत बाद फिर फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। परिणामस्वरूप रूप उसकी पहली प्रमुख नाटकीय रिलीज तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरवती 1993 थी जिसे अजीत ने बालासुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित सिलवा को सुनिश्चित करने के बाद साइन किया गया था। इन्होंने दोस्तों इसके कुछ भाग देखे गए थे और इसे विमल विलंब से पूर्व और प्रेम पुस्तकम जैसे ही फिल्म पोस्टर और प्रोडक्शन में की गई थी। अजीत कुमार की एक और शौकियों मोटर रेस और प्रशिक्षण के दौर रेस चोट के कारण बिस्तर पर पड़े थे। मुख्य अभिनेता के रूप में अजीत कुमार की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म रोमांटिक थ्रिलर असई जो कि 1995 थी और वसंत द्वारा निर्देशित और मणि रतन द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुलभ लक्ष्मी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे जिसमें दोस्तों बहनों ही उन पर मोहित है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अजीत कुमार को तमिल फिल्म उद्योग में एक उभरते अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिल्म असई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। बाद में दोस्तों उन्होंने प्रशांत और पूजा भट्ट के साथ कल्लूरी और कौशल में मुख्य भूमिका निभाई। अजीत कुमार की सफल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कद्दल कोटाई के रूप में आई जिसने दोस्तों अजीत कुमार के पिछले प्रोजेक्ट और बालमथी की निर्देशक और आगाथियन के साथ फिर से जुड़े थे। फिर दोस्तों फिल्म कद्दल कोटाई में उनकी जोड़ी देवयानी के साथ जिसमें हीरो राजगोपाल ने सहायक भूमिका निभाई है। 1997 में दोस्तों अभिनेता अजीत कुमार के 5 फिल्मों में नजर आए और जिसमें से किसी भी फिल्म ने सहायक और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी अवधि के दौरान हीरो फिल्म वितरण और व्यवसाय में प्रवेश किया था। परिमानसक रूप उन्होंने नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसी अवधि के कुर और समय बताते हुए अजीत को लगातार पीठ की चोट लग रही और उनकी कई अन्य फिल्म प्रतिबिंबताओं में देरी हुई थी। 5 फिल्मों में से एक उल्लेखनीय और परियोजना अमिताभ बच्चन की तमिल प्रोडक्शन उल्लासम 1997 थी जिसमें उन्होंने पहली बार 2 मिलियन यानी 2023 में 11 मिलियन यानी US 140,000 के बराबर के एक उत्तर
एक उच्च वेतन का दिया था। अभिनेता अजित कुमार ने 1998 में साजन की कथल मन्ना से एक और बड़े फिल्म परियोजना के साथ लौट आई, और जो एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी जिसने दोस्तों एक विस्तारित और प्रशंसक आधार की नींव राखी, और उन्होंने बसंत और नेरकु नेर ने भी अभिनय करना शुरू किया था। बाद में दोस्तों सूर्या ने उस जगह ले ली थी और निम्नलिखित फिल्म और अवल वरुला में उनकी दाखिला एनआई और कोडुथे में का सफल रही थी, जिसमें दोस्तों कार्तिक के साथ अजित की अतिथि भूमिका थे। और बात की जाए फिल्म की पूरी उयर रोडू और उरियागा को छोड़कर जिसने खराब प्रदर्शन किया, और 1998 में रिलीज हुई उनकी अन्य तीन फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रमेश खन्ना और थोड़ा रंग की मालिका के साथ सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा उन्हें थेड़ी ने बड़ी सफलता की श्रृंखला तैयार किया था। और ऐसे जय सूर्या की थ्रिलर चैली और जिसमें अजीत की पहली बार सिमरन के साथ दोहरी भूमिकाओं में दिखाया गया था, उस समय दोस्तों उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें जिस फिल्म में एक मुख्य और बधिर भाई की अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजर गड़ाने की कहानी बताई गई है। वही दोस्तों दोनों भाइयों के किरदार अजीत ने उसके तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था, और इसके अलावा अजित कुमार के भाइयों को चित्रण भी किया था। प्रशंसा किया गया और आलोचकों ने दावा किया था कि फिल्म तत्काल क्लासिक थी, और ड्रामा फिल्म में निम्नलिखित दो भूमिकाएं आनंद पुगत्रे और श्री वारुवाई एन्ना थे भी अजित के। अजित को उनके चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई है। नए सहवादी से पहले उन्होंने अंतिम फिल्म और अमर कलाम श्री जिसका निर्देशक समर ने किया था, इसमें दोस्तों शालिनी थे और जिनसे उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद शादी कर ली, और अमर कलाम ने एक अपेक्षित बच्चे की कहानी बताई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेह की भावनाओं को दिखाने के लिए असफल रहा था। इस प्रतिक्रिया में एक गैंगस्टर बन गया और अजित कुमार के दृष्ट चरित्र के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। उनकी अगली फिल्म मुगावरी ने उनकी व्यवसायिक को आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई थी। यह फिल्म एक संघर्षक संगीतकार के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोस्तों उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए बलिदान का सामना करना पड़ा था। फिल्म को दोहरे अंत दिखाए गए और एक में से अजित कुमार को अपने करियर के सफलता मिली और दूसरे में अजित कुमार को निराश हुए था। अजित कुमार के अभिनय की एक बार फिर रेडिफ ने आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी, और उन्होंने दावा किया था कि अजित कुमार की असली विजेता फिल्म की पाठकता संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अजित कुमार एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। वह शानदार ढंग से अभिनय करते हैं और कमजोर और दुखी श्रीघर और वह अजित कुमार के साथ प्रमुख अभिनेता की मम्मूट्टी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, तब्बू और श्रीनिवास शामिल है। अपनी पिछली फिल्म की तरह की भूमिका में अजित कुमार ने एक संघर्षक संघर्षत
फिल्म निर्देशक की शुरुआत की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों 1999 में लगातार 6 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म ने दोनों और 2000 की मुक्का वरी और कद्दू कोडैन को सफल बनाने के बाद अजीत कुमार की एक सफल फिल्म आई अन्य कोडू एनआई और थुरुवेल जिसमें सह अभिनेत्री सिमरन किया था। बात किया जाए दोस्तों 2006 के दौरान अजीत कुमार की वासु की परम शिवम अभिनय करके अपने अंतराल से लौटे जिसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 20 किलोग्राम पाउंड कम किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर विजय की आधी से अधिक सफलता मिली थी और जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। द हिंदू के लिए आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटे और तन्ना हुआ दिख रहा है। जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी और द हिंदू के आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटा और तन्ना हुआ दिख रहा है। केवल उसकी आँखों की चमक कुछ हद तक कम की गई है और भारी वजन घटाने वाले इसके अलावा 2006 में परमा सेवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अजीत ने लंबे बाल रखे थे और जो बाल के प्रोजेक्टर दान और कदबुल के लिए उगाए जा रहे थे जिसमें दोस्तों अंत अजीत कुमार ने छोड़ दिया था और हंसी की तरह पेरा रसु द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म PBM प्री प्रोडक्शन और थिरुपति ने खराब समीक्षा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औसत और व्यवसाय के रूप में ऊपर प्रदर्शन किया था। रेडिप आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है लेकिन अजीत उत्साही प्रदर्शन किया था। रेडिप के आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है लेकिन अजीत कुमार उत्साही प्रदर्शन किया और स्थिति को बचाया। अजीत ने अपने लंबे समय से विलंबित एक्शन ड्रामा फिल्म वरुला की रिलीज के साथ एक सफल वापसी किया था जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता फिल्म बन गई और KS रवि कुमार की फिल्म में असीन सह कलाकार है और अजीत को 3 भूमिका में चित्रण किया था जिसमें दोस्तों एक शास्त्रीय नाटक की भूमिका में भी शामिल की गई थी। उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और इसके अलावा वह इस फिल्म ने अजीत कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। 2007 में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अभिनेता शंकर के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। 2007 में अजीत कुमार की पहली रिलीज अल्लावार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। उनकी पिछली फिल्म अल्लावार के थोड़े समय के लिए बंद होने के बाद भी सिनेमाघरों में चल रही थी। करीदम जो कि 1989 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म का रीमेक और हेडसी नाम से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई और साथ ही दोस्तों फिल्म को मध्यम सफलता मिली थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीत को रीढ़ की हड्डी में एक चोट लग गई थी जिसमें उनके कैरियर के पहले की समस्या और पुनरागी बन गए थे। वही दोस्तों इसके बाद अजीत कुमार ने फिल्म बिल्ला में अभिनय किया था जो दोस्तों 1980 में आई और रजनीकांत की अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। विष्णु वर्धन के निर्देशक ने
अजय कुमार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्ति है, और जो भारत में स्टाइलिश कला निर्देशक और सिनेमेटोग्राफी के लिए एक ट्रेंड सेटर बन गई है। बिल्ला फिल्म में एक बार फिर अजित कुमार को दोहरी भूमिका में दिखाया गया था, और एक मुख्यतः डॉन की जबकि दूसरी भूमिका में एक निर्देशक व्यक्ति की थी, और जिसे बिल्ला की मृत्यु के बाद डॉन के लिए भी पुरस्कार दिलाया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजित कुमार, जो कि 2022 में अजित कुमार ने वाली माई के लिए फिर से विनोद के साथ सहयोग किया था, और इसे विनोद खे ने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें दोस्तों 24 फरवरी को रिलीज हुई थी, और जिसे समीक्षकों और दर्शकों से दोनों सकारात्मक समीक्षा मिली थी। लेकिन अगले वर्ष 2023 में उन्होंने बैंक डकैती थ्रिलर थुनिबू के लिए फिर से सहयोग किया है। इसका निर्माण बोनी कपूर ने किया है, और अजित कुमार, बोनी कपूर, एचा विनोद और नीरव शाह की टीम तीसरा सहयोग किया है। वही दोस्तों घिब्रान ने फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर किया है। बात की जाए दोस्तों अजित कुमार की आने वाली 2023 में एक से बढ़कर एक फिल्म काफी जबरदस्त भूमिका के साथ आ रही है, जो दोस्तों आप देखना नहीं भूलिएगा। अजित कुमार की सुपरस्टार अभिनेता अजित कुमार की आई फिल्म विश्वासन, जो कि दोस्तों यह फिल्म भी काफी जबरदस्त चली थी, और यह फिल्म को फैंस देखने के लिए आजकल भी काफी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। फिल्म विश्वासन में अभिनेता अजित कुमार थुक्कू दुरई के रूप में दिखाई दिए हैं, और अभिनेत्री नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कू दुरई की पत्नी, और श्वेता थुक्कू दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्र, और अभिनेता जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कू दुरई के प्रति हिंदी का रोल निभाए हैं। वही दोस्तों केशव के रूप में विवेक है, और थम्बी रमैया जो कि रोशमानी के रूप में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों और बड़े एक से बढ़कर एक स्टार भी एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजित कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने की अटकलों के बाद त्याग्या सत्या ज्योतिका फिल्म से निर्देशित शिवा और अभिनेता अजित कुमार के बीच सहयोग किया था। सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 के अंत में की गई थी, और स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 में शुरू हुआ था, और नियंत्रक को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो दोस्तों अजित कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता योगी बाबू की सभी फिल्म होगी, और मुख्य फिल्म फोटोग्राफी 23 मई 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन दोस्तों तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंत 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ था। पुलंगा 2019 के लिए जारी किया गया था। फिल्म में संगीत साउंडट्रैक एल्बम डी ईमान द्वारा रचित है, जो अजित कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बॉलीवुड फिल्म मरजावा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशक मिलन ज्वेरी ने किया था, और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विश्वासम दोस्तों यह फिल्म तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, और सैटेलाइट राइटर्स सन नेटवर्क को बेचे गए थे। फिल्म की बॉक्स ऑफिस फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ और
यानी दोस्तों US$2.34 मिलियन और केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और भारत में कई जगह पर एक से बढ़कर एक कमाई किया था। यह फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू की एक्शन दृश्य साउंडट्रैक फिल्म के सरकारों और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली है। लेकिन दोस्तों निर्देशक पाठक कथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म अपने वर्णन में नियमित और टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है और लेकिन दोस्तों अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखे और देखे लायक मनोरंजक फिल्म बनती है। बिहाइंड बोर्ड्स और बुड्डस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थला प्रशंसकों और संतुष्ट करने के लिए एक व्यावसायिक तत्वों के साथ तय किया था। फिल्म कंपेनियन ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा था कि मुख्यधारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है और विश्वास के साथ शिव और अधिकार करते हैं। यह अपने स्टार के विश्वास और उसके ऐसा दृष्ट को सही ठहराते हैं और पहला पार्ट 3/5 रेटिंग दी और जिसमें कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल दी गई थी, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल लाई और मजबूत वापसी की थी। फिल्म जिसे आपने मुद्दे है और लेकिन दोस्तों फिर से भी यह देखने में काफी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिटिस ने 3/5 रेटिंग दी देते हुए कहा कि फिल्म विश्वासम शिव है और अजित कांबो की पारिवारिक के लिए भावनात्मक पौर्णिमा उपहार है। सीपी ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि अजित आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि अभिनेता थुक्कु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जाओं और दिखते हैं। विश्वासम इस पोलंग त्योहारों के लिए एक पक्का और पारिवारिक मनोरंजक है। जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले और इंडिया टुडे की 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया था कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विगम का मथन करने के बाद अजित और निर्देशक थुरुथाई शिवा और विश्वासम के साथ एक ग्रामीण वर्ग में वापस जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म उम्मीदों के साथ अन्याय नहीं करती है और वह केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है कि द न्यूज मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि वेगन में मूवी द हिंदू ने कहा कि वेगन में मूवी यूरोप के दौरान करने के बाद शिव अजित की तमिलनाडु वापस चले आते और यह एक वृद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू को
कहा कि फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत कुमार के लिए बहुत कम पोशाक करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 रेटिंग देते हुए कहा गया कि हालांकि विचार प्रदर्शकों की मधुर जीत के क्षण का एहसास करना होता है, लेकिन एक इसका मतलब उन लोगों के लिए टैलेंट के बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। और डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है और शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक बड़े स्टार थरा है। अजीत के बारे में सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है और इसे अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्यजनक मूल्य पर काम करती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। अभिनेता अजीत कुमार की उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत ने एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी हैं और उन्होंने MRF रेसिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया और भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों पर शॉटिंग में प्रतिस्पर्धी और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फॉर्मूला का चैंपियनशिप दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 में तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म विद्दु एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को कदल कोटाई 1996 और अलव वरुला 1998 और कदल मन्ना 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों फिल्म अमर कलाम जो कि 1999 से शुरू हुई और शुरू करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया था। ऐसे जे सूर्य की दौली वैली 1999 में अजीत कुमार के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण किया जहां दोस्तों जो एक बारह मूल है और अजीत कुमार के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने विजिलेट फिल्म और सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिका के लिए आलोचना प्रशंसा की है और अजीत कुमार की 2006 की उन्होंने वरल लारू में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 अलग अलग भूमिका निभाई और वह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक और किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया था। दोनों ने उन्होंने आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की थी और वन्ना कथा 2001 में एक खतरनाक नायक की भूमिका निभाई है। और दोस्तों यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक के रूप में बनी और उन्होंने अगली रिलीज बिल्ला जो कि 2012 में तमिल सिनेमा की पहली प्राची प्रविलक थी। और बात की जाए दोस्तों और अभिनेता अजीत कुमार जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़े के लिए विशेष भी किए हैं।
इनकी अभिनय कैरियर की शुरुआत अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत कई शुरुआत एन बिंदु एन कनावर 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में दृश्य में एक एसपी बाल सुब्रमण्यम के जिनके बेटे अजीत के सहायक से की और सिफारिश के माध्यम से वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेम पुस्तकम 1993 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी जो आज तक की उनकी एकमात्र तेलुगु फिल्म है। और हालांकि दोस्तों फिल्म के निर्देशक गुल्ला पुटी श्रीनिवास की मृत्यु के बाद उपत्यादन शुरू होने के तुरंत बाद फिर फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। परिणामस्वरूप रूप उसकी पहली प्रमुख नाटकीय रिलीज तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरवती 1993 थी जिसे अजीत ने बाला सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित सिल्वा को सुनिश्चित करने के बाद साइन किया गया था। इन्होंने दोस्तों इसके कुछ भाग देखे गए थे और इसे विमल विलंब से पूर्व और प्रेम पुस्तकम जैसे ही फिल्म पोस्टर और प्रोडक्शन में की गई थी। अजीत कुमार की एक और शौकीय मोटर रेस और प्रशिक्षण के दौर रेस चोट के कारण बिस्तर पर पड़े थे। मुख्य अभिनेता के रूप में अजीत कुमार की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म रोमांटिक थ्रिलर असई जो कि 1995 थी और वसंत द्वारा निर्देशित और मणि रतन द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुलभ लक्ष्मी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे जिसमें दोस्तों बहनों ही उन पर मोहित है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अजीत कुमार को तमिल फिल्म उद्योग में एक उभरते अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिल्म असई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। बाद में दोस्तों उन्होंने प्रशांत और पूजा भट्ट के साथ कल्लूरी और कौशल में मुख्य भूमिका निभाई। अजीत कुमार की सफल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कद्दर कोटाई के रूप में आई जिसने दोस्तों अजीत कुमार के पिछले प्रोजेक्ट और बालमथी की निर्देशक और आगाथियन के साथ फिर से जुड़े थे। फिर दोस्तों फिल्म कद्दर कोटाई में उनकी जोड़ी देवयानी के साथ जिसमें हीरो राजगोपाल ने सहायक भूमिका निभाई है। 1997 में दोस्तों अभिनेता अजीत कुमार के 5 फिल्मों में नजर आए और जिसमें से किसी भी फिल्म ने सहायक और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी अवधि के दौरान हीरो फिल्म वितरण और व्यवसाय में प्रवेश किया था। परिमानसक रूप उन्होंने नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसी अवधि के पुर और समय बताते हुए अजीत को लगातार पीठ की चोट लग रही और उनकी कई अन्य फिल्म से प्रतिबिंबताओं में देरी हुई थी। 5 फिल्मों में से एक उल्लेखनीय और परियोजना अमिताभ बच्चन की तमिल प्रोडक्शन उल्लासम 1997 थी जिसमें उन्होंने पहली बार 2 मिलियन यानी 2023 में 11 मिलियन यानी US 140,000 के बराबर के एक उच्च वेतन का दिया था। अभिनेता अजीत कुमार ने 1998 में साजन की कथल मन्ना से एक और बड़ी फिल्म परियोजना के साथ लौट आई और जो एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी जिसने दोस्तों एक विस्तारित और प्रशंसक आधार की नींव रखी और उन्होंने बसंत और नेरकु नेर ने भी अभिनय करना शुरू किया था। बाद में दोस्तों सूर्या ने उस जगह ले ली थी और निम्नलिखित फिल्म और अवल वरुला में उनकी दाखिला एनआई और
कडू थे में का सफल रही थी, जिसमें दोस्तों कार्तिक के साथ अजित की अतिथि भूमिका थे। और बात की जाए फिल्म की रोडू और उरियागा को छोड़कर जिसने खराब प्रदर्शन किया और 1998 में रिलीज हुई उनकी अन्य तीन फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रमेश खन्ना और थोड़ा रंग की मालिका के साथ सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा उन्हें थेडी ने बड़ी सफलता की श्रृंखला तैयार किया था। और ऐसे जय सूर्या की थ्रिलर चैली और जिसमें अजीत की पहली बार सिमरन के साथ दोहरी भूमिकाओं में दिखाया गया था। उस समय दोस्तों उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें जिस फिल्म में एक मुख्य और बधिर भाई की अपने छोटे भाई की पत्नी पर नज़र गड़ाने की कहानी बताई गई है। वही दोस्तों दोनों भाइयों के किरदार अजीत ने उसके तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। और इसके अलावा अजीत कुमार के भाइयों को चित्रण भी किया था, प्रशंसा किया गया। और आलोचकों ने दावा किया था कि फिल्म तत्काल क्लासिक थी और ड्रामा फिल्म में निम्नलिखित दो भूमिकाएं आनंद पुगत्रे और श्री वारुवाई एन्ना थे भी अजीत की। अजीत को उनके चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई है। नए सहवादी से पहले उन्होंने अंतिम फिल्म और अमर कलाम श्री जिसका निर्देशक समर ने किया था, इसमें दोस्तों शालिनी थे और जिनसे उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद शादी कर ली। और अमर कलाम ने एक अपेक्षित बच्चे की कहानी बताई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेह की भावनाओं को दिखाने के लिए असफल रहा था। इस प्रतिक्रिया में एक गैंगस्टर बन गया और अजीत कुमार के दृष्ट चरित्र के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। उनकी अगली फिल्म मुगावरी ने उनकी व्यवसायिक वो आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई थी। यह फिल्म एक संघर्षक संगीतकार के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोस्तों उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए बलिदान का सामना करना पड़ा था। फिल्म को दोहरे अंत दिखाए गए और एक में से अजीत कुमार को अपने करियर के सफलता मिली और दूसरे में अजीत कुमार को निराश हुए था। अजीत कुमार के अभिनय की एक बार फिर रेडिफ ने आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और उन्होंने दावा किया था कि अजीत कुमार की असली विजेता फिल्म की पाठकता संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अजीत कुमार एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। वह शानदार ढंग से अभिनय करते हैं और कमजोर और दुखी श्रीघर और वह अजीत कुमार के साथ प्रमुख अभिनेता की मम्मूट्टी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, तब्बू और श्रीनिवास शामिल है। अपनी पिछली फिल्म की तरह की भूमिका में अजीत कुमार ने एक संघर्षत फिल्म निर्देशक की शुरुआत की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों 1999 में लगातार 6 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म ने दोनों और 2000 की मुगावरी और कद्दू कोडैन को सफल बनाने के बाद अजीत कुमार की एक सफल फिल्म आई अन्य कड्डू एनआई और थुरुवेन जिसमें सह अभिनेत्री सिमरन किया था।
बात किया जाए दोस्तों 2006 के दौरान अजीत कुमार की वासु पी वासु की परम शिवम अभिनय करके अपने अंतराल से लौटे, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 20 किलोग्राम पाउंड कम किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर विजय की आधी से अधिक सफलता मिली थी और जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। द हिंदू के लिए आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटे और तन्ना हुआ दिख रहा है। जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी और द हिंदू के आलोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटा और तन्ना हुआ दिख रहा है। केवल उसकी आँखों की चमक कुछ हद तक कम की गई है और भारी वजन घटाने वाले इसके अलावा 2006 में परम शिवम और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अजीत ने लंबे बाल रखे थे और जो बाल के प्रोजेक्टर दान और कदबुल के लिए उगाए जा रहे थे, जिसमें दोस्तों अंत अजीत कुमार ने छोड़ दिया था और हंसी की तरह पेरारसु द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म PBM प्री प्रोडक्शन और थिरुपति ने खराब समीक्षा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औसत और व्यवसाय के रूप में ऊपर प्रदर्शन किया था। रेडी आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजीत उत्साही प्रदर्शन किया था। रेडिफ के आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजीत कुमार उत्साही प्रदर्शन किया और स्थिति को बचाया। अजीत ने अपने लंबे समय से विलंबित एक्शन ड्रामा फिल्म वरुला की रिलीज के साथ एक सफल वापसी किया था, जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता फिल्म बन गई और KS रवि कुमार की फिल्म में असीन सहकलाकार है और अजीत को 3 भूमिका में चित्रण किया था, जिसमें दोस्तों एक शास्त्रीय नाटक की भूमिका में भी शामिल की गई थी। उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और इसके अलावा वह इस फिल्म ने अजीत कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। 2007 में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अभिनेता शंकर के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। 2007 में अजीत कुमार की पहले रिलीज अल्लावार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। उनकी पिछली फिल्म अल्लावार के थोड़े समय के लिए बंद होने के बाद भी सिनेमा घरों में चल रही थी। खरीदम, जो कि 1989 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म का रीमेक और हेडसी नाम से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई और साथ ही दोस्तों फिल्म को मध्यम सफलता मिली थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीत को रीढ़ की हड्डी में एक चोट लग गई थी, जिसमें उनके कैरियर के पहले की समस्या और पुनरागी बन गए थे। वही दोस्तों इसके बाद अजीत कुमार ने फिल्म बिल्ला में अभिनय किया था, जो दोस्तों 1980 में आई और रजनीकांत की अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। विष्णु वर्धन के निर्देशक ने अजीत कुमार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है और जो भारत में स्टाइलिश कला निर्देशक और सिनेमेटोग्राफी के लिए एक ट्रेंड सेटर बन गई है। बिल्ला फिल्म में एक बार फिर अजीत कुमार को दोहरी भूमिका में दिखाया गया था और एक मुख्यतः डॉन की जॉब की दूसरी भूमिका में एक निर्देशक व्यक्ति की थी और जिसे बिल्ला की मृत्यु के बाद डॉन के लिए भी पुरस्कार दिलाया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार, जो कि 2022 में अजीत कुमार ने
वाली माई के लिए फिर से विनोद के साथ सहयोग किया था और इसे विनोद खे ने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें दोस्तों 24 फरवरी को रिलीज हुई थी और जिसे समीक्षकों और दर्शकों से दोनों सकारात्मक समीक्षा मिली थी। लेकिन अगले वर्ष 2023 में उन्होंने बैंक डकैती थ्रिलर थुनिबू के लिए फिर से सहयोग किया है। इसका निर्माण बोनी कपूर ने किया है और अजीत कुमार, बोनी कपूर, एचा विनोद और नीरव शाह की टीम तीसरा सहयोग किया है। वही दोस्तों घेब्रान ने फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर किया है। बात की जाए दोस्तों अजीत कुमार की, आने वाली 2023 में एक से बढ़कर एक फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका के साथ आ रही है जो दोस्तों आप देखना नहीं भूलिएगा। अजीत कुमार की सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार की आई फिल्म विश्वासन, जो कि दोस्तों यह फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त चली थी और यह फिल्म को फैंस देखने के लिए आजकल भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। और अभिनेत्री नयनतारा निरंजना के रूप में थुक्कु दुरई की पत्नी और श्वेता थुक्कु दुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्र और अभिनेता जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुक्कु दुरई के प्रति हिंदी का रोल निभाए हैं। वही दोस्तों केशव के रूप में विवेक है और थम्बी रमैया जो कि रोशमानी के रूप में दिखाई दिए हैं। और दोस्तों और बड़े एक से बढ़कर एक स्टार भी एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीने की अटकलों के बाद त्याग्या सत्या ज्योतिका फिल्म से निर्देशित शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग किया था। सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 के अंत में की गई थी और स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो दोस्तों अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता योगी बाबू की सभी फिल्म होगी और मुख्य फिल्म फोटोग्राफी 23 मई 2018 को शुरू होने वाली थी। लेकिन दोस्तों तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंत 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ था। पुलंगा 2019 के लिए जारी किया गया था। फिल्म में संगीत साउंडट्रैक एल्बम डी ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बॉलीवुड फिल्म मरजाबा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशक मिलाप मिलन ज्वेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विश्वासन दोस्तों यह फिल्म तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और सैटेलाइट राइटर्स सन नेटवर्क को बेचे गए थे। फिल्म की बॉक्स ऑफिस फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ और यानी दोस्तों US 2.34 मिलियन और केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ और भारत में कई जगह पर एक से बढ़कर एक कमाई किया था। यह फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू की एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक फिल्म के सरकारों और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली है। लेकिन दोस्तों निर्देशक पाठक कथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म अपने वर्णन में
नियमित और टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है और लेकिन दोस्तों अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखे लायक मनोरंजक फिल्म बनती है। बिहाइंड बोर्ड्स और बुड्डस ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थला प्रशंसकों और संतुष्ट करने के लिए एक व्यावसायिक तत्वों के साथ तय किया था। फिल्म कंपेनियन ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा था कि मुख्यधारा की बहुत सारी फिल्म निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है और विश्वासम के साथ शिव और अधिकार करते हैं। यह अपने स्टार के विश्वास और उसके ऐसा दृष्ट को सही ठहराते हैं और पहला पार्ट 3/5 रेटिंग दी और जिसमें कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल दी गई थी, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है और बारिश में हिरने के लिए अंतराल लाई और मजबूत वापसी की थी। फिल्म जिसे आपने मुद्दे है और लेकिन दोस्तों फिर से भी यह देखने में काफी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिटिस ने 3/5 रेटिंग दी देते हुए कहा कि फिल्म विश्वासम शिव है और अधिक कामों की पारिवारिक के लिए भावनात्मक पौर्णिमा उपहार है। सीपी ने 3/5 रेटिंग देते हुए कहा कि अजित आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है, जो कि अभिनेता थुक्कु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जाओं और दिखते हैं। विश्वासम इस पोलंग त्योहारों के लिए एक पक्का और पारिवारिक मनोरंजक है। जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले और इंडिया टुडे की 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया था कि एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विगम का मथन करने के बाद अजित और निर्देशक थुरुथाई शिवा और विश्वासम के साथ एक ग्रामीण वर्ग में वापस जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म उम्मीदों के साथ अन्याय नहीं करती है और वह केवल कुछ हिस्से में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है कि द न्यूज मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि वेगम में मूवी द हिंदू ने कहा कि वेगम में मूवी यूरोप के दौरान करने के बाद शिव अजित की तमिलनाडु वापस चले आते और यह एक वृद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू को कहा कि फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजित कुमार के लिए बहुत कम पोशाक करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 रेटिंग देते हुए कहा गया कि हालांकि विचार दर्शकों की मधुर जीत के क्षण का एहसास करना होता है, लेकिन एक इसका मतलब उन लोगों के लिए टैलेंट के बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। और डेकन क्रॉनिकल ने कहा कि हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है और शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक बड़े स्टार ठहरा है। अजीत के बारे में सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक शिव की सबसे बड़ी
उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है और इसे अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्यजनक मूल्य पर काम करती है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अजीत कुमार जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। अभिनेता अजीत कुमार की उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत ने एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी हैं और उन्होंने MRF रेसिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया और भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों पर शॉटिंग में प्रतिस्पर्धी और वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फॉर्मूला का चैंपियनशिप दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 में तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म विद्दु एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को कदल कोटाई 1996 और अलव वरुला 1998 और कदल मन्ना 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया था। और दोस्तों फिल्म अमर कलाम जो कि 1999 से शुरू हुई और शुरू करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया था। ऐसे जे सूर्य की दौली वैली 1999 में अजीत कुमार के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण किया जहां दोस्तों जो एक बारह मूल है और अजीत कुमार के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने विजिलेट फिल्म और सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिका के लिए आलोचना प्रशंसा की है और अजीत कुमार की 2006 की उन्होंने वरन लारू में अभिनय किया था जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 अलग अलग भूमिका निभाई और वह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। और दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और अगले वर्ष उन्होंने दो रीमेक और किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया था। दोनों ने उन्होंने आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की थी और मन्ना कथा 2001 में एक खतरनाक नायक की भूमिका निभाई है। और दोस्तों यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक के रूप में बनी और उन्होंने अगली रिलीज बिल्ला जो कि 2012 में तमिल सिनेमा की पहली प्राची प्रविलक थी। और बात की जाए दोस्तों और अभिनेता अजीत कुमार जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौरे के लिए विशेष भी किए हैं। इनकी अभिनय करियर की शुरुआत अपने अभिनय करियर की शुरुआत कई शुरुआत एन बिंदु एन कनावर 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में दृश्य में एक एसपी बाल सुब्रमण्यम के जिनके बेटे अजीत के सहायक से की और सिफारिश के माध्यम से वह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेम पुस्तकम 1993 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी जो आज तक की उनकी एकमात्र तेलुगु फिल्म है। और हालांकि दोस्तों फिल्म के निर्देशक गुल्ला पुटी श्रीनिवास की मृत्यु के बाद उपत्यादन शुरू होने के तुरंत बाद फिर फिल्म की शूटिंग को रोक दिया था। परिणामस्वरूप उसकी पहली प्रमुख नाटकीय रिलीज तमिल रोमांटिक ड्रामा
अमर हुआ थी 1993 थी, जिसे अजीत ने बाला सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित सिलवा को सुनिश्चित करने के बाद साइन किया गया था। इन्होंने दोस्तों इसके कुछ भाग देखे गए थे और इसे विमल विलंब से पूर्व और प्रेम पुस्तकम जैसे ही फिल्म पोस्टर और प्रोडक्शन में की गई थी। अजीत कुमार की एक और शौकीय मोटर रेस और प्रशिक्षण के दौर रेस चोट के कारण बिस्तर पर पड़े थे। मुख्य अभिनेता के रूप में अजीत कुमार की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म रोमांटिक थ्रिलर असई जो कि 1995 थी और बसंत द्वारा निर्देशित और मणि रतन द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुलभ लक्ष्मी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाए दिए थे, जिसमें दोस्तों बहनों ही उन पर मोहित है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अजीत कुमार को तमिल फिल्म उद्योग में एक उभरते अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिल्म असई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। बाद में दोस्तों उन्होंने प्रशांत और पूजा भट्ट के साथ कल्लूरी और कौशल में मुख्य भूमिका निभाई। अजीत कुमार की सफल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कद्दल कोटाई के रूप में आई, जिसने दोस्तों अजीत कुमार के पिछले प्रोजेक्ट और बालमथी की निर्देशक और गाथियन के साथ फिर से जुड़े थे। फिर दोस्तों फिल्म कद्दल कोटाई में उनकी जोड़ी देवयानी के साथ, जिसमें हीरो राजगोपाल ने सहायक भूमिका निभाई है। 1997 में दोस्तों अभिनेता अजीत कुमार के 5 फिल्मों में नजर आए और जिसमें से किसी भी फिल्म ने सहायक और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी अवधि के दौरान हीरो फिल्म वितरण और व्यवसाय में प्रवेश किया था। परिमानसक रूप उन्होंने नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसी अवधि के पूर्व और समय बताते हुए अजीत को लगातार पीठ की चोट लग रही और उनकी कई अन्य फिल्म से प्रतिबिंबताओं में देरी हुई थी। 5 फिल्मों में से एक उल्लेखनीय और परियोजना अमिताभ बच्चन की तमिल प्रोडक्शन उल्लासम 1997 थी, जिसमें उन्होंने पहली बार 2 मिलियन यानी 2023 में 11 मिलियन यानी US 140,000 के बराबर के एक उच्च वेतन का दिया था। अभिनेता अजीत कुमार ने 1998 में साजन की कद्दल मन्ना से एक और बड़ी फिल्म परियोजना के साथ लौट आई और जो एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी, जिसने दोस्तों एक विस्तारित और प्रशंसक आधार की नींव रखी और उन्होंने बसंत और नेरकु नेर में भी अभिनय करना शुरू किया था। बाद में दोस्तों सूर्या ने उस जगह ले ली थी और निम्नलिखित फिल्म और अवल वरुला में उनकी दाखिला एनआई और कोडुथेन में का सफल रही थी, जिसमें दोस्तों कार्तिक के साथ अजीत की अतिथि भूमिका थे। और बात की जाए फिल्म की उरिया रोडू और उरियागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया और 1998 में रिलीज हुई उनकी अन्य 3 फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रमेश खन्ना और थोड़ा रंग की मालिका के साथ सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा उन्हें थेडी ने बड़ी सफलता की श्रृंखला तैयार किया था। और ऐसे जय सूर्या की थ्रिलर चैली और जिसमें अजीत की पहली बार सिमरन के साथ दोहरी भूमिकाओं में दिखाया गया था।
उस समय दोस्तों उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें जिस फिल्म में एक मुख्य और बधिर भाई की अपने छोटे भाई की पत्नी पर नज़र गड़ाने की कहानी बताई गई है। वही दोस्तों दोनों भाइयों के किरदार अजीत ने उसके तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था और इसके अलावा अजीत कुमार के भाइयों को चित्रण भी किया था। प्रशंसा किया गया और आलोचकों ने दावा किया था कि फिल्म तत्काल क्लासिक थी और ड्रामा फिल्म में निम्नलिखित दो भूमिकाएं आनंद पुगत्रे और श्री वारुवाई एन्ना थे भी अजीत की। अजीत को उनके चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई है। नए सहवादी से पहले उन्होंने अंतिम फिल्म और अमर कलाम श्री जिसका निर्देशक समर ने किया था, इसमें दोस्तों शालिनी थे और जिनसे उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद शादी कर ली और अमर कलाम ने एक अपेक्षित बच्चे की कहानी बताई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेह की भावनाओं को दिखाने के लिए असफल रहा था। इस प्रतिक्रिया में एक गैंगस्टर बन गया और अजीत कुमार के दृष्ट चरित्र के चित्रण को आलोचकों द्वारा सराहा गया था। उनकी अगली फिल्म मुकावरी ने उनकी व्यवसायिक वो आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई थी। यह फिल्म एक संघर्षक संगीतकार के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दोस्तों उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए बलिदान का सामना करना पड़ा था। फिल्म को दोहरे अंत दिखाए गए और एक में से अजीत कुमार को अपने करियर के सफलता मिली और दूसरे में अजीत कुमार को निराश हुए था। अजीत कुमार के अभिनय की एक बार फिर रेडिफ ने आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और उन्होंने दावा किया था कि अजीत कुमार की असली विजेता फिल्म की पाठकता संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अजीत कुमार एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। वह शानदार ढंग से अभिनय करते हैं और कमजोर और दुखी श्रीघर और वह अजीत कुमार के साथ प्रमुख अभिनेता की मम्मूट्टी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, तब्बू और श्रीनिवास शामिल है। अपनी पिछली फिल्म की तरह की भूमिका में अजीत कुमार ने एक संघर्षत फिल्म निर्देशक की शुरुआत की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों 1999 में लगातार 6 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म ने दोनों और 2000 की मुक्कावरी और कद्दू कोडैन को सफल बनाने के बाद अजीत कुमार की एक सफल फिल्म आई अन्ने कोडू एनआई और थुरुवेल जिसमें सह अभिनेत्री सिमरन किया था। बात किया जाए दोस्तों 2006 के दौरान अजीत कुमार की वासु की परम शिवम अभिनय करके अपने अंतराल से लौटे जिसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 20 किलोग्राम पाउंड कम किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर विजय की आधी से अधिक सफलता मिली थी और जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी। द हिंदू के लिए लोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटे और तन्ना हुआ दिख रहा है, जो उसी सप्ताह की रिलीज हुई थी और द हिंदू के लोचक ने कहा कि अजीत कुमार फिल्म में छोटा और तन्ना हुआ दिख रहा है। केवल उसकी आँखों
की चमक कुछ हद तक कम की गई है और भारी वजन घटाने वाले इसके अलावा 2006 में परमा सेवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अजित ने लंबे बाल रखे थे और जो बाल के प्रोजेक्टर दान और कदाबुल के लिए उगाए जा रहे थे, जिसमें दोस्तों अंत अजित कुमार ने छोड़ दिया था और हंसी की तरह पेरारसु द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म PBM प्री प्रोडक्शन और थिरुपति ने खराब समीक्षा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औसत और व्यवसाय के रूप में ऊपर प्रदर्शन किया था। रेडी पल्लोस्को ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजित उत्साही प्रदर्शन किया था। रेडिप के आलोचकों ने कहा कि फिल्म कुछ भी लेकिन शानदार है, लेकिन अजित कुमार उत्साही प्रदर्शन किया और स्थिति को बचाया। अजित ने अपने लंबे समय से विलंबित एक्शन ड्रामा फिल्म वरुणा की रिलीज के साथ एक सफल वापसी किया था, जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता फिल्म बन गई और KS रवि कुमार की फिल्म में असीन सह कलाकार है और अजित को 3 भूमिका में चित्रण किया था, जिसमें दोस्तों एक शास्त्रीय नाटक की भूमिका में भी शामिल की गई थी। उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई थी और इसके अलावा वह इस फिल्म ने अजित कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। 2007 में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अभिनेता शंकर के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। 2007 में अजित कुमार की पहली रिलीज अल्लावार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।